आज मैं पीपल फार्म के किचन से आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि हम सबको पता है, आजकल हम लोग कॉन्शियस हो गए हैं अपने फूड चॉइसेस के बारे में। हमने सोचना शुरू कर दिया है कि क्या जो हम खा रहे हैं वो हेल्दी है हमारे लिए या नहीं। हम बेटर और हेल्दियर ऑप्शंस की तलाश में रहते हैं। हम लोग जिम भी जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं रेगुलरली, पर फिर भी कभी कभी हमारा मन करता है जंक फूड खाने का। और जंक फूड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चिप्स। मुझे भी चिप्स पसंद है और आई एम श्योर आप लोगों को भी चिप्स पसंद होंगे। पर आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें मैं टोफू का इस्तेमाल करूँगी। टोफू के साथ साथ मैं राइस फ्लावर यानी चावल के आटे का इस्तेमाल करूँगी। तो किसी भी डिश में जब हम बीन्स और चावल डालते हैं तो वो हमें कम्प्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इस रेसिपी में मैं बेसन का इस्तेमाल भी कर रही हूँ, और जैसे हमको पता ही है कि बेसन भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ऑल इन ऑल जो ये टोफू चिप्स हैं, ये मार्केट से खरीदे हुए चिप्स के मुकाबले एक हेल्दियर ऑप्शन है और एक डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। तो आइए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। टोफू चिप्स बनाने के लिए चाहिए हमें एक कप टोफू, स्क्रैम्बल्ड हो तो बेटर है। उसके बाद चाहिए हमें एक कप चावल का आटा, एक कप बेसन, एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। उसके बाद चाहिए हमें नमक। हम हिमालयन रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं, आप चाहे तो टेबल सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद चाहिए आपको फ्राई करने के लिए ऑयल। हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई भी ऑयल जो आपको पसंद हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने सारी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं तेल को छोड़कर वो हमने एक बड़े बर्तन में डाल लिए हैं। टोफू में ऑलरेडी थोड़ा पानी होता है तो आपको पानी इसमें मिक्स नहीं करना। इस समय जैसे आप देख सकते हैं कि आटा अभी ड्राई है, ये इकट्ठा नहीं हो रहा, टूट रहा है, तो इसको हम पानी नहीं डालेंगे इसको गूंदने के लिए, हम इसमें सिर्फ तेल डालेंगे। तो आप तेल डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए, और थोड़ा थोड़ा, अगर जैसे कई टोफू होता है जिसमें पानी ज़्यादा होता है, अगर आप सॉफ्ट टोफू लेते हैं, और अगर आप फर्म टोफू लेंगे तो उसमें पानी कम होगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का टोफू ले रहे हैं। जैसे जो हम टोफू बनाते हैं ये फर्म टोफू है, तो इसमें आपको ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। और अगर आपने सॉफ्ट टोफू लिया है, सिल्कन टोफू लिया है, तो उसमें आपको ऑयल नहीं डालना, उसमें आप थोड़ा आटा डालेंगे, ज़्यादा, एक कप से ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको। तो आपके हाथ में बेसिकली ये रोटी की तरह जैसे आटा होता है वैसा होना चाहिए। तो इसमें हम अभी, मैं इसको मिक्स करूँगी, और इसको जिस तरह से गूंदना है हाथ से नहीं गूंदना जैसे हम गेहूं का आटा गूंदते हैं, इसको हमने पाम से गूंदना है ऐसे कर, ताकि जितने भी टोफू के छोटे छोटे चंक्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, और एंड में ये आटा एकदम इकट्ठा हो जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, जिसे हम बेल पाएंगे। जब आटा गुन जाएगा तो वो कुछ ऐसा लगेगा, तो अब ये बिल सकता है आटा। तो ये थोड़ा सा इस समय येलोइश कलर का इसलिए है क्योंकि हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अगर आप कोई न्यूट्रल ऑयल यूज़ कर रहे होंगे तो उसका कलर ऐसा नहीं आएगा। तो चलिए अब हम इसको बेलते हैं। तो अब हम बॉल्स को हाथ में बीच में ले लेंगे हाथों के, और इसको उंगलियों और पाम के मदद से इसको हम फ्लैट करते जाएंगे। जितना पतला आप आराम से कर सकते हैं उतना पतला करिए, और अगर तेल की आवश्यकता हो तो वो भी आप लगा लीजिए हाथों में, ताकि ये चिपके ना आटा। इसको फ्लैट कर लीजिए, और इसको रखने से पहले प्लास्टिक शीट पे थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना, क्योंकि अब जब हम चिप्स की कटिंग करेंगे तो हम इसी पे ही करेंगे, प्लास्टिक पे ही। आप कैसे भी काट सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े भी काट सकते हैं इसके, और लंबे भी बना सकते हैं इसको, चाहे तो इतने 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 बना लीजिए, और चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको शेप दे दीजिए। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तेल को आप मीडियम सेक पे रखते हुए थोड़े थोड़े चिप्स हल्के हाथ से तेल में डालना शुरू करिए। जब ये ब्राउन होने शुरू हो जाएं, गोल्डन ब्राउन कलर के, तो आप इसको थोड़े थोड़े कर निकाल लीजिए। इस तरह के हो जाएंगे हल्के हल्के ब्राउन, ये सेक इसका बहुत तेज ना रहे ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो चिप्स बाहर से तो काले हो जाएंगे या ब्राउन हो जाएंगे, पर अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे।
तो ये चिप्स हैं अब तैयार। इसको आप किसी भी तरह की चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, पर मैं इसको सर्व कर रही हूँ घर पे जो मैंने मूंगफली से बनाई हुई ये चटनी है। आप उसके साथ खाएंगे तो और भी बढ़िया लगेगा। ये थोड़ा डिफरेंट है टमाटो केचप और सोया सॉस और इनसे। इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है। इसकी रेसिपी हम फिर ट्राई करेंगे, पर ये सॉस थोड़ी सी स्पाइसी है तो ये आपके चिप्स को भी एक बढ़िया सा फ्लेवर देगी। और ये थिक है, क्रीमी है जैसे आप देख सकते हैं, तो ये परफेक्ट है इन चिप्स के साथ जाती है।